वेलकम बैक टू माय चैनल, आई एम क्रिश। गाइस आज मैं आप लोग के साथ बहुत ही अच्छा सा जो एक हेयर स्टाइल शेयर करूंगी, ये है श्रद्धा कपूर से इंस्पायर्ड हेयर स्टाइल। मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था, वो भी श्रद्धा कपूर से इंस्पायर्ड हेयर स्टाइल था, हाफ अप एंड हाफ बन जो हेयर स्टाइल बोलते हैं उसे। वो जो हेयर स्टाइल था वो था हाफ गर्लफ्रेंड से रिलेटेड, और आज का जो हेयर स्टाइल है वो भी हाफ गर्लफ्रेंड से ही जो है हेयर स्टाइल श्रद्धा कपूर ने लिया था, वही हेयर स्टाइल जो मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी। ये हेयर स्टाइल बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है और ये जो है गर्ल्स के लिए बहुत ही ज्यादा मतलब क्यूट लगेगा। तो चलिए ये हेयर स्टाइल कैसे बनाना है वो सिखाती हूँ आपको। ओके गाइस, फर्स्ट अपनी हेयर को कॉम कर लीजिए। अब अपने साइड से जो है फ्रंट हेयर को थोड़ा सा निकाल लीजिए। अब इनको जो है आप थोड़ा सा साइड करके सिक्योर कर लीजिए। आपको ऑपोजिट डायरेक्शन में इसको सिक्योर करना है। अब अपनी जो है साइड पार्ट निकालिए। अब यहाँ से कुछ हेयर जो है आपको निकाल लेने हैं ऐसे। अब आपको इसको 3 स्ट्रैंड में डिवाइड करना है, 3 पार्ट में। अब फर्स्ट जो सेक्शन है उसको सेकंड वाले के अंडर ले जाना है, एंड जो थर्ड सेक्शन है उसको सेकंड वाले के अंडर ले जाना है। यही प्रोसेस आपको रखना है। एंड जो फर्स्ट सेक्शन है उसमें आपको कुछ हेयर जो ऐड करने हैं, एंड देन उसके बाद जो है आपको उसको सेकंड वाले के अंडर ले जाना है। उसके बाद थर्ड सेक्शन में भी आपको कुछ हेयर ऐड करने हैं, देन उसको सेकंड वाले के अंडर ले जाना है। अब ऐसे ही प्रोसेस आपको कुछ हेयर ऐड करके, फर्स्ट सेक्शन में हेयर ऐड करके सेकंड वाले के अंडर, थर्ड सेक्शन में हेयर ऐड करके सेकंड वाले के अंडर, यही प्रोसेस आपको कुछ स्टेप तक जो है फॉलो करना है। ये नॉर्मल जो 3 स्ट्रैंड ब्रेड होती है गाइस वैसी है, बस आपको जो है इसको अंडर लेना है। और अपन जो 3 स्ट्रैंड ब्रेड करते हैं वो अपन अपर डायरेक्शन में करते हैं, और इसको जो है डच ब्रेड बोलते हैं, जो अपन अंडर लेके करते हैं उसे डच ब्रेड बोलते हैं। अब यही जो प्रोसेस आपको रखना है, अब ये हाफ पोर्शन तक आप पहुंच जाए, जैसे अभी मैं पहुंच गई हूँ, अभी मैं इसको नॉर्मल ब्रेड करूँगी, इसमें अभी कोई भी हेयर मैं ऐड नहीं करूँगी, इसको जो है आपको नॉर्मली ब्रेड करना है। देखिए पूरा नॉर्मली आपको जो है टाइट ब्रेड रखनी है एकदम। अब ये हो चुका है मेरा पूरा ब्रेड रेडी, आप देखिए अच्छे से। अब इसको जो है आपको ब्रेड को हल्का हल्का जो है पुल करना है, इसको जो है आपको फुलर रखना है थोड़ा। आपने जो है श्रद्धा कपूर की स्टाइल देखी होगी वो बहुत ही ज़्यादा फुलर लगती है, तो वैसे ही आप आराम से जो है इसको हल्का हल्का पुल कीजिए, टाइम लेके कीजिए, कोई जल्दी नहीं है। अभी हो चुका है, अब इसको जो है अपने बैक में ले जाके बॉबी पिन से सिक्योर कर लीजिए, टाइटली सिक्योर कीजिए ताकि लूज ना हो। अब कुछ हेयर लेके इसको अलग कर दीजिए। अब फ्रंट सेक्शन को वापस से निकाल लीजिए अपने पिन को। This is done. और लाइक कर दीजिए, और अगर आप मेरे अच्छे अच्छे वीडियोस मिस नहीं करना चाहते हैं तो जल्दी से बेल आइकन को हिट भी कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय, टेक केयर।